तो फारूक शेख साहब, आपने कहा था कि आपके पास कुछ एविडेंस है महजुबीन और अकबर के लिए, जिसको देखने के बाद ये बात साबित हो जाएगी कि अशफाक साहब को कंपनी फ्रॉड में फंसाया गया है। जी वकील साहब, मेरे पास ऐसी बहुत सी ऑडियो वीडियोस की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, जिसे देखकर जिसे सुनकर ये बात पूरी तरह से वाज़ेह हो जाएगी कि असल मुजरिम अकबर और महजुबीन है। योर ऑनर, ये बात सच है कि मैं उस वक्त पैसे के लालच में इन लोगों के साथ मिल गया था। वकील साहब, बात यह है कि ये दौलत उस दीमक की तरह से होती है जो सिर्फ कमजोर और सूखी लकड़ी को नहीं खाती, बल्कि इसे जब मौका मिलता है ये मजबूत लकड़ी में जाकर उसे खोखला कर देती है। मैं अशफाक को फंसाना नहीं चाहता था योर ऑनर, लेकिन इन लोगों ने प्लान खत्म होने से पहले ही मुझे साइडलाइन कर दिया, और जो मुझे यह एहसास हुआ कि लोग मुझे अशफाक के केस में फंसाना चाहते हैं, तब मैंने और मोहतात तरीके से इनके लिए जो रिकॉर्डिंग से मुखी और उनको प्रिजर्व कर लिया, ताकि वक्त पे ये सबूत उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। जज साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। शेख, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जज साहब, ये मुझे फंसाना चाहता है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए प्लीज। आपने देखा माय लॉर्ड, ये लोग इसी तरह सबको जान से मारने की धमकी देते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मुझे भी शेख साहब से कुछ पूछना। इजाजत है। शुक्रिया योर। शेख साहब, अगर आपके पास ये सबूत पहले से मौजूद थे तो ये उस वक्त सामने क्यों नहीं आए जब इशफाक साहब को गिरफ्तार किया गया? उस वक्त ये सबूत कहाँ छुपे हुए थे? वकील साहब, मैं इतराफ़ कर रहा हूँ कि मैं अकबर और मेजबीन की बातों में आ गया था, और फिर ये लोग मुझे धोखा देकर मुल्क से बाहर चले गए। उन्हीं दिनों जज साहब, अकबर ने मुझे फ़ोन किया और मेरी इकलौती बेटी की डेथ थ्रेट मुझे दी। जिससे मैं शदीद मोहब्बत करता था, और शायद इसीलिए मैं अशफाक का साथ ना दे सका, डर गया हूं। मैं अपने आप को इन मामलों में मजीद उलझाना नहीं चाहता था, लेकिन जब मैंने अशफाक साहब की इस मासूम बेटी अमल को देखा जो अकेली तने तरह इन मगरमच्छों से लड़ रही है, तब मैंने सोचा जज साहब कि शायद यही वक्त है कि मैं भी अपने जमीर पर लदे इस बोझ को उतार दूं जो बरसों से मेरे वजूद को नोच रहा है। इसलिए जज साहब, आज मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ यह स्टेटमेंट देता हूं कि अशफाक साहब बेकसूर थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, और यह सारा काम, यह सारा जुर्म जो है अकबर और महजुबीन ने किया। शेख साहब, ये कोई इमोशनल ड्रामा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि आप इशफाक साहब की फैमिली के साथ मिलकर महजुबीन और अकबर साहब को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इशफाक साहब की बेटी अकबर साहब की बहू है। सीधी बात है, सास से बनती नहीं है और शौहर से वो खुश नहीं है, और उसकी वजह जज साहब के वो रेहान नामी किसी लड़के को पसंद करती। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ओवररूल्ड। सर, ये बिल्कुल एक फैमिली ड्रामा चल, बात सिर्फ इतनी है कि अमल तलाक लेना चाहती है और अकबर साहब का बेटा उसे तलाक देना नहीं चाहता, और इसकी वजह हक मेहर की रकम, कोई कम नहीं है, 60 करोड़। बस उसी हक मेहर की रकम के लिए ये खेल खेला गया, इसीलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे। तो बताइए शेख साहब, इस 60 करोड़ में से आपको कितना हिस्सा मिलेगा? I object my lord. Objection sustained. सर, मेरे फाजिल दोस्त बात को कहां से कहां ले गए। ये बात सच है कि अशफाक साहब की बेटी अमल अकबर की बहू है, लेकिन दोनों खानदानों को एक दूसरे के बारे में मालूम नहीं था। अशफाक साहब दुनिया में नहीं थे और अकबर इटली चला गया था। अकबर की बीवी दिलशाद बेगम ने सबको यही बताया कि अकबर का इंतकाल हो चुका है, ताकि वो इस केस से बच सके। बाकी जो तमाम इल्जाम मेरे दोस्त लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद है। शादी और हक महर का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा शेख साहब, आप मुझे बताइए, क्या आपको पता था अमल और जहीन की शादी के बारे में? जी नहीं वकील साहब, मुझे इस बारे में कतई कोई नहीं था।
ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के अलावा आपके पास और क्या सबूत है? इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम डायरेक्टर्स महजबीन और अकबर के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हैं जज साहब। और एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहूंगी जज साहब कि इशफाक साहब ने खुदकुशी नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। माय लॉर्ड, ये सब अदालत का वक्त जाया करने के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास बहुत टाइम है, आप बैठ जाइए प्लीज। थैंक यू।